क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस जिनको होता है उनको दो चीज़ें करनी चाहिए हर 6 महीने में, एक तो है लीवर फंक्शन टेस्ट और दूसरा हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरल लोड। तो लीवर फंक्शन टेस्ट करने के हमको ये पता चलता है कि जो लीवर के केमिकल्स हैं वो ब्लड में ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो केमिकल्स वो SGOT SGPT होते हैं जिसको हम ALT एंड ASD भी कहते हैं, ये अगर बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर, अगर नॉर्मल से 3 गुना से ज़्यादा अगर ये बढ़े हैं या फिर ये 2 गुना से भी ज़्यादा है, तो वो एक इंडिकेशन है कि लीवर डैमेज हो रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस से और उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन लेना चाहिए। या फिर अगर हम HPV DNA वायरल लोड करते हैं और ये 20,000 से ऊपर आता है या फिर 2,000 से ऊपर आता है डिपेंडिंग ऑन DNA वायरल लोड, तो ऐसे स्थिति में ये भी ये दर्शाता है कि वायरस ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो ऐसे स्थिति में उनको एंटाकाविर नाम का मेडिसिन जो कि 0.5 mg का आता है रोज़ लेना होता है। इसको लेने से जो DNA हेपेटाइटिस बी जो है उसका नंबर कम रहता है। हेपेटाइटिस बी वायरस अगर हमेशा ब्लड में रहा तो वो लीवर को डैमेज करेगा, उससे लीवर का परमानेंट डैमेज हो जाएगा, उसको हम सिरोसिस कहते हैं और उससे लीवर का कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एंटाकाविर मेडिसिन लेना बहुत बहुत आवश्यक है अगर लीवर की इंजुरी है, लीवर के SGOT SGPT ये अगर 2 गुना से बड़े हैं या फिर जो हेपेटाइटिस बी वायरस का लोड है वो 20,000 से ऊपर है या फिर 2,000 से ऊपर है और लीवर को डैमेज है। तो थैंक यू।